क्या पर्टिकुलर ऐसा सबके लिए कॉमन कुछ ऐसे उपाय, अगर कोई कर्जे में दबा हुआ है तो उससे आसानी से वो निकल सके? बेटा कर्जा कब होता है? कर्जा तब होता है जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल दोनों खराब हो जाए। अगर मान लो कोई कुंडली दिखाने में सक्षम नहीं है या सिर्फ अभी आजमाना ही चाहता है, वो नहीं ये करना चाहता, अपना कर्जा उतारने के लिए एक उपाय ज़रूर करके देखें। और वो क्या है, एक स्टील की कटोरी लीजिए और ये 43 कटोरियाँ लेनी है, हर रोज़ की एक नई। स्टील की कटोरी के अंदर अनार, एक ही अनार छीलिए और उसके दाने अलग कर दीजिए, उसका छिलका बचा, उसके छिलके को छोटे छोटे रूप में काटिए, छोटे छोटे टुकड़े करिए, उसके 84 टुकड़े करके उस कटोरी में डाल दीजिए और उसको दूध से भर के अपने सिराने रख के सो जाए। सुबह नहा धो करके आप वो कटोरी उठाएं, समझे, उसके अंदर जैसे मुंह देखते इस तरह से थोड़ी देर अपने पास रखें और मंदिर में लगे हुए पीपल के नीचे उसको रखाएं, वहाँ छोड़ाएं 43 दिन। ये वाला उपाय, स्टील की कटोरी बुध, उसमें जो अनार का छिलका वो मंगल शुक्र मिश्रित होता है और उसमें दूध यानी कि चंद्रमा, मंगल शुक्र जब भी मिलते हैं बेटा वो चंद्रमा बनाते हैं लेकिन हम चंद्रमा को साथ ही दे रहे हैं, तो ऐसे में बुध मंगल चंद्र इन तीनों का मंदिर के अंदर जाना कर्जे को उतारने का कारण बनता है। कर्जे का घर कौन सा है? जन्म कुंडली का छठा घर। जन्म कुंडली का छठा घर किसका है? वो बुध का है, तो इसलिए हम कटोरी लेते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे मिलकर के दूसरे घर के अंदर, बुध भी राजयोग कारक होता है, बृहस्पति का वो घर है, तो जब बृहस्पति की शरण के अंदर मंगल चंद्र और बुध जाते हैं तो ये पाप नहीं करते, उल्टा राजयोग कारक बन जाते हैं और इंसान के कर्जे उतरते हैं, बुद्धि पलटती है, घर से दुख दरिद्र दूर होता है और घर में सुख शांति आती है इस एक उपाय से।